तो जब हम इनका कम्बिनेशन करते हैं तो द डिफरेंस ऑफ दिस टू इट विल गिव अस दिस प्रॉफिट हेयर बट बिफोर डिसाइडिंग दिस प्रॉफिट फंक्शन जिन चीज़ों को हमें जहन में रखना है कि अ फॉर्म हैज़ टू डिसाइड उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से कौन से फैक्टर्स जो हैं वो फ़िक्स्ड हैं और कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे हैं कि जो फ़िक्स्ड नहीं और वेरिएबल हैं किस फैक्टर के ऊपर फर्म का कितना कंट्रोल है मीन्स एक इनपुट को प्रोडक्शन सेटअप में इनकर करके यूटिलाइज़ करने के बाद क्या वो उसको रिट्रीव बैक कर सकती है फ़र्म कि नहीं कर सकती लाइक वाइज अगर हम देखें तो हमारी बहुत सी एग्जांपल्स हमने इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के हवाले से देखी हुई हैं कि मींस एक प्रोड्यूसर के लिए उसकी लैंड को हमेशा हम फिक्स रखते हैं और जो सीड है हम कहते हैं कि ये उसका वेरिएबल है लेकिन वंस द वेरिएबल सीड हैज़ बीन सोन इन द फील्ड तो चूंकि अब उसको वो एंट्रप्रन्योर और द प्रोड्यूसर वापस नहीं ले सकता तो उस टाइम पे ये भी उसके लिए संक हो जाएगा या हम उसको कहेंगे संक कॉस्ट में हो या ये भी फिक्स्ड फॉर्म में चला जाएगा तो कैलकुलेशन करने में इस इक्वेशन में जो एपरेंटली हमें प्रॉफिट फंक्शन बहुत सिंपल नज़र आ रहा है लेकिन उसके बैकहेंड पर जो डिसीजनस हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हम कह सकते लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत केयर रिक्वायर करते हैं इसी तरीके से बहुत से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखते हुए हमें उनकी प्राइसिस को तय करना है एंड प्राइसिस तय करते हुए हम उसी फैक्टर की प्राइस को तय कर सकते हैं जो मार्किट में अवेलेबल हो अब अगर हम कहें कि क्या तमाम फैक्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने अगर रखूं कि जो इरिगेशन वाटर हमारे पास जिस पाकिस्तान में नहरों से हमें प्रोवाइड हो रहा है चूंकि उसकी मार्केट प्राइस के तौर पे नहीं किया जाता अगर वो मार्केट हो ही नहीं रहा तो उसकी एक्चुअल प्राइस को डिटरमिन करना वेरी डिफ़िकल्ट हो सकता है उसी तरीके से कोई और फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं कि जो अवेलेबल इन दैट दैटफॉर्म हो तो वो फैक्टर जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है उसकी प्राइस किस तरीके से उसमें इंक्लूड की जाएगी मीन फैमिली लेबर है क्योंकि फैमिली लेबर में मौजूद जितने लोग हैं वो इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चर में या किसी भी और बिजनेस में अगर वो इन्वॉल्व हैं और उन्होंने मार्केट से अपनी प्राइस को असेस ही नहीं करवाया तो देन इट इज़ डिफ़िकल्ट और यहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम यूटिलाइज करते हैं मीन दैट इज़ दैट अमाउंट ऑफ द पेमेंट जो कि फ्रॉम द डेफर्ड रिसोर्स से हमें आ रही हो कि अगर वही वाला फैक्ट्री इनपुट इज़ बींग यूटिलाइज इन एनी अदर अल्टरनेटिव तो वट इट विल गेट फ्राम देयर तो हम उस अल्टरनेटिव जो प्राइस है उसको यहाँ पे एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करेंगे अब इसी तरीके से जब हमने कहा था कि कुछ इनपुट्स ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी मार्केट में प्राइस अवेलेबल ना हो तो वहाँ पे हम उनकी फिर इम्प्लिसिट रेंटल रेट्स यूटिलाइज़ करते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम देखें तो रेंटल रेट को हमने क्योंकि मोनिट्री वैल्यू लेके आनी है हर चीज़ की ताकि हमारे प्रॉफिट फंक्शन में जब हम यूटिलाइज़ करें तो हम हर कमोडिटी के हर ऑस्पेक्ट की वो जिस फॉर्म में भी है हम मेन अगर लेबर है तो लेबर को हम आवर्स के हवाले से या वीक्स के या डेज़ के हवाले से यूटिलाइज करेंगे और उसी तरीके से अगर कोई चीज़ बिल्डिंग अगर हमने रेंट पे ली हुई है तो रेंटल रेट से मुराद ये है कि आपने सिर्फ उतने टाइम की प्राइस को या रेंट को यूटिलाइज करना है या उसको इस्तेमाल करना है जो उस प्रोसेस ऑफ क्वांटिटी के लिए अवेलेबल है अगर वो आपके पास इन्वेंट्री में कोई चीज़ पड़ी हुई है और मार्केट में अभी नहीं है तो दैट सेगमेंट में जितना कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट हुआ है हम उसको वहाँ पे यूटिलाइज नहीं करेंगे सो इन दिस फॉर्म में जो एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने और आता है दैट इज़ कॉल कॉज आई फिक्स्ड फैक्टर्स तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हम टाइम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं मीन उनकी कॉस्ट वन डे में हमारे सिस्टम में एक्सप्लेन या एक्सप्रेस नहीं हो सकती अगर हम लेबर की फॉर्म में कहें तो ये वो वाली कॉस्ट है जिसको अगर हम कहें ऑन द ट्रेनिंग और द हायरिंग ऑफ लेबर पे हम लगाते हैं और अगर हम कैपिटल की फॉर्म में कहें मींस जैसे हम कहें कि कॉस्ट ऑन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है रोड uh, की कंस्ट्रक्शन या रेलवे ट्रैक है मींस वो उस सिस्टम को फंक्शनल करने के लिए अगर हम देखें तो वो हमें हर सूरत जो है वो इस्तेमाल करना होगी तो वंस इट इज़ यूटिलाइज दैट हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन दिस्टम लेकिन वो उस सिस्टम में एक दफ़ा ही यूटिलाइज नहीं होगी राधर वो उसको अगर हमने रिकवर करना है तो दैट इज़ इन द फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन में उसको देखा जाएगा इसीलिए अब हम अगर सिंपल वे में बनाएँ तो हम कहते हैं कि प्रॉफिट इज़ द डिफ्रेंस ऑफ द रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जिसमें रेवेन्यू जो है वो आउटपुट प्राइस मल्टीप्लाई बाय द क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट है और उसी तरीके से अगर हम कॉस्ट की बात करें तो वो जितने नंबर ऑफ इनपुट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट है उनके इनपुट प्राइस का विद द क्वांटिटी ऑफ इनपुट का एंड व्हेन वी हैव टू टेक दिस प्रॉफिट फंक्शन एंड वी ऑप्टिमाइज दिस और मीन वी मैक्सिमाइज दिस इन दैट सेंस दैट फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ द कॉस्ट वी आर गोइंग टू मैक्सिमाइज दिस रेवेन्यू रेवन्यू गिवन दिस वे वी विल बी वोली यूटिलाइजिंग द मैक्सीमजेशन ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन टेक्निक अब अगर हम यहाँ पर देखें कि इन तमाम में हमने मैक्सीम जिस चीज़ को करना है उसमें से जो प्राइस है आउटपुट की दैट इज़ द मार्किट प्राइस और मार्किट प्राइस परफेक्ट कंपिटिशन में अगर हम देखें तो हमारी ये एक कम्प्लीट उसमें हमारी जम्शन है कि एनी फॉर्म इट कैन नाट अफेक्ट द मार्केट प्राइस सो so, यहाँ पे हमारी जो मार्केट प्राइस है दैट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस सिस्टम सो मैक्सिमाइजेशन के प्रिंसिपल में अब प्रोड्यूसर के पास जो काम रह गया है वो ये है कि उसने एडजस्ट करना है इसके जवाब में अपना आउटपुट और वो आउटपुट जो है वो फर्दर डिपेंड कर रहा है उसके इनपुट मीन फैक्टर डिमेंड्स पे जो कि फर्दर डिपेंड करते हैं इनपुट प्राइसिस पे ए अब अगर देखें तो फिर इनपुट की प्राइसेस भी उसी तरीके से मार्केट में से आनी है तो जितनी भी प्राइसेस हैं दैट विल नॉट बी एंट्रिंग इन दिस सिस्टम एंड नाउ द प्रोड्यूसर फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज़ टू एडजस्ट इट्स अमाउंट ऑफ द आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू द अमाउंट ऑफ द इनपुट्स सो अगर हम कहें कि कोई भी ऐसा पॉइंट जिसको हम कहें कि दैट इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग चॉइस ऑफ फैक्टर वन हो जिसमें से एक्सटेरिक वन हम अगर एक इसके लिए ले रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो आउटपुट की प्राइस टाइम्स मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है इट शुड बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट इनपुट और वी कैन से कि इफ़ वी आर गोइंग टू हैव दिस डेरिवेटिव उस डेरिवेशन को अगर हम देखें तो दैट विल भी इक्वल टू द प्राइस इन टू टोटल फिजिकल प्रोडक्ट एंड वेन वी चेंज दिस output with reference to the change in the input we will say that this price it will not change rather it will be equal to this marginal physical product so the derivation of this it will tell that this price into marginal physical product it should be equal to this input and this is basically the value of the marginal physical product or the vmp दैट शुड भी इक्वल टू द इनपुट प्राइस फ्राम दिस असर्शन इवन दिस इज एक्सप्लिस शोन दैट एनी फैक्टर जो भी किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है अगर उसकी प्राइस को हमने डिटर्मिन करना हो या देखना हो तो दिस इज मेन इफ इट इज़ द वेज और इट कैन भी द रेंटल वैल्यू और इट कैन भी इक्वल टू द कैपिटल वैल्यू तो इट विल भी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एंड दैट फिजिकल प्रोडक्ट जो कि इस इनपुट के इस्तेमाल करने से प्रोड्यूस हो रहा है